हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब लिए चलते हैं आपको एक अलग तरह की खबर की तरफ। भारत चांद और मंगल पर पहुंच गया, लेकिन अब भी भारत के कई इलाकों में लोग आधारभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। और देखिए, जान दांव पर लगाना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि सरकार के दावे और प्रशासन की पोल खोलने वाली ये तस्वीर। चारपाई को स्ट्रेचर बनाया गया है, दो लोग इसे कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। डोली वाले स्ट्रेचर पर महिला को धूप से बचाने के लिए चादर की छत बनाई गई है। ये सब हो रहा है गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए। अस्पताल जाने के लिए पहले महिला को गांव की मुख्य सड़क तक पहुंचाना है, क्योंकि गांव में ना तो सड़क है न ही अच्छा अस्पताल। ऐसे में स्ट्रेचर पर 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये लोग महिला को गांव के मुख्य सड़क पर लेकर पहुंचे, जहां से महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दर्द और बेबसी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जवराही गांव की हैं। हरदम इसी ही होता है सर, देखिए कि जब हर समय डिलीवरी केस भी होता है तो इसी ही डोली पाल की करते हैं, तब तक यहाँ पर लाते हैं। डिलीवरी केस में खाली डोली में ढोवा के ले रहे हैं, यहाँ गाड़ी आने के लिए व्यवस्था नहीं है, और गाड़ी आती है तो बोल देते ही जे नहीं है, चक्का हमारा ठक जाती है, फंस जाता है। लोगों का कहना है कि अक्सर गर्भवती महिलाओं को कभी चारपाई तो कभी दोपहिया वाहनों से अस्पताल ले जाना पड़ता है। कई बार तो इस वजह से कई महिलाओं की मौत भी हो जाती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से सड़क के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। जनता के लिए हम इसको जो है पूरा भेंट करके इसका जो है इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करेंगे, और ये जो जितनी जल्दी हो सके हम इसका प्रोजेक्ट भेज के इसको बनवा देंगे। अधिकारी भरोसा दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें जो है वो दिखाती हैं कि देश के कुछ हिस्से अभी भी विकास से कोसों दूर हैं, और हम आपको अब ग्राफिक्स पर दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं। बजट क्या दिखाता है छत्तीसगढ़ का, बजट में जो वादे किए जाते हैं वो कहाँ ले जाते हैं, आम आदमी उन सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से क्यों दूर रहता है। हजारों करोड़ का बजट होता है। 8 फरवरी को इसी साल भूपेश बघेल सरकार ने बजट पेश किया था, उसमें तमाम वादे थे, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई थी। ग्रामीण विकास पर 5,180 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए थे। बजट करोड़ों का, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का बजट था 4,933 करोड़ का, लेकिन आपने देखा कहानी में कि एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं थी, और कई किलोमीटर चलने के बाद महिला को अस्पताल मिला। परिवहन योजना पर 6,158 करोड़ रुपए रखे गए थे बजट में। पुल निर्माण के लिए 193 करोड़ रुपए इस बजट में घोषणा की गई थी। तो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पुल को, उन इलाकों को पुल से जोड़ने के लिए 193 करोड़ रखे गए थे। सड़क निर्माण के लिए 674 करोड़ रुपए बजट में रखे गए थे छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट में। लेकिन उसके बावजूद जो आम आदमी है वो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, और वो अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है उसको इलाज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।